फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट दीपा और स्वागत है आपका मेरे चैनल डेकी किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक मीठी सी रेसिपी। तो आज हम मीठी सी रेसिपी में बनाएंगे मीठी सी सेवैया। तो चलो देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिए है होममेड सेवैया जो घर में हम बनाते हैं या मिल भी जाकर बनाते हैं, और जो मार्केट में आती है वो हमने सेवैया नहीं यूज़ की है। यहाँ पे मैंने लिया है नॉनस्टिक की कढ़ाई, तो घी हमें थोड़ा कम लगेगा नॉनस्टिक की कढ़ाई यूज़ करने से। तो यहाँ पे मैं 2 छोटे चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ। घी को हमें मेल्ट करना है। यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है, तो घी मैंने यहाँ पे कम यूज़ किया है। अब इसमें हम डालेंगे सेवैया। तो सेवैया को मैंने इस तरह से बारीक कर लिया है। तो सेवैया को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। फ्लेम को हमने लो पे रखना है, नहीं तो सेवैया हमारी जल जाएगी। तो सेवैया को हमें कंटिन्यू हिलाते रहना है और भूनना है घी में अच्छे से। यहाँ पे ध्यान रहे कि सेवैया जलनी नहीं चाहिए हमारी। यहाँ पे सेवैया को भूनते हुए मुझे 3-4 मिनट हो चुके हैं और हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। यहाँ पे मैंने लिए है कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए है काजू, बादाम और पिस्ता। इलायची मैंने लिए है 4-5। तो इस सेवैया को हमें और भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। यहाँ पे सेवैया रोस्ट हो चुकी है, तो इसको हमने अच्छे से भूना है घी में और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो सेवैया 2 टाइप की होती है, एक तो ब्राउन कलर की आती है जो मार्केट में मिलती है, और ये वाइट कलर की सेवैया मैंने यूज़ की है जो होममेड है। चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेम को मैंने लो पे ही रखा है और इसको रोस्ट किया है अच्छे से। अब फ्लेम को हमें बंद करना है। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है सेवैया, यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैंने गैस को बंद ही करा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। चाहे तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर से मिक्स करना है अच्छे से। फ्लेम को हमने बंद ही रखा है, जो कढ़ाई गर्म है हमारी, तो उसी में हम ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स और सेवैया यहाँ पे रोस्ट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं सेवैया का कलर भी चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पे एक बाउल ली है, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, तो मैं यहाँ पर एक कुट बाउल मैंने चीनी यूज़ की है। मिक्स करना है। तो यहाँ पे चीनी सेवैयों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। तो चाहे तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो दूध या पानी कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं दूध स्किप कर रही हूँ और पानी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मिक्स करना है अच्छे से। अब इसको हमें ढक कर रखना है 5 मिनट तक। सेवैया को हमने 5 मिनट तक ढक कर रखा था, तो आप देख सकते हैं सेवैया में अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है। तो हमें और थोड़ी देर तक इसको हमें पकाना है। सेवैया को हमें पूरी तरह सुखाना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इलायची पाउडर। मिक्स करना है। तो सेवैया को हमें और 5 मिनट तक ढककर रखना है। तो 5 मिनट तक इसको हम ढककर रखते हैं। सेवैया को हमने फिर से ढककर रखा था 5 मिनट तक, तो आप देख सकते हैं सेवैया को जो पानी है बिल्कुल सूख गया है। तो इस सेवैया को पकाने के लिए पूरे हमें 15 मिनट लगे हैं।
फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और 5 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे इसको। यहाँ पे हमारी मीठी सेवैया बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस लगती है। तो इस रेसिपी को आप भी घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए फीडबैक में कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। उम्मीद करती हूँ आज की मीठी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।